महागठबंधन बनाकर नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश बंगाल या किसी दूसरे अन्य राज्य में जाके ये क्या कर लेंगे, राहुल गांधी क्या कर लेंगे, या ममता बनर्जी आके बिहार में क्या कर लेगी, अखिलेश यादव दूसरे प्रदेश में जाके क्या कर लेंगे। ये कोई महागठबंधन नहीं है, ये ठग गठबंधन ये लोग बनाना चाहते हैं, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो रही है। मधुबनी में आज जब हमारे संवाददाता ने बीजेपी सांसद अशोक यादव से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना था, किस तरीके से वो अपने क्षेत्र में कितना काम किए हैं, कितना काम नहीं हुआ है, तमाम चीजों को गिना रहे हैं। साथ ही वो महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए दिखे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बातचीत की गई है, सबसे पहले आप वो सुने। सबसे पहले ये बताइए कि मधुबनी में जहाँ तक हमने निकाय चुनाव जो अभी अभी ख़त्म हुआ है उसके दरमियान जो हमने तफ्तीश किया है तो वहाँ पे जलस्तर काफ़ी नीचे गया है। आप भी जानते हैं कचरों की मूल समस्या है और जल जमाव सबसे अधिक होता है। इस पे आपने इस कार्यकाल में कितना पहल किया है? देखिए, ये तो बिहार सरकार का काम होता है और इससे पहले नगर परिषद था और ये काम मुख्य रूप से नगर परिषद का काम होता है। लेकिन एक सांसद होने के नाते बार बार यहाँ के जो चेयरमैन थे, जो प्रशासक थे, खासकर प्रशासक से बार बार हम लोग कहते रहे कि भाई नगर की सफाई सुथरा हो, साज सज्जा हो। और नगर में एक बहुत बड़ी समस्या जल जमाव की भी समस्या है और अभी फिलहाल बारिश नहीं होने के कारण जल स्तर भी नीचे चला गया है, जिसके लिए पानी की बहुत किल्लत है और इसको बिहार सरकार को करना चाहिए था। अब बिहार सरकार के जो पीएचडी मंत्री हैं, मैंने उनसे एक दिन बात की थी तो कहने लगे भाई पंचायती राज व्यवस्था के उसमें चला गया। खैर, जिसमें गया हो, पंचायती राज व्यवस्था में हो या पीएचडी में हो, ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी है और बिहार सरकार को इस काम को पूरा करना चाहिए। और अभी भी लोग पानी से त्राहिमाम है चूँकि बारिश हुई नहीं है। लेकिन बिहार सरकार को जो पहल करना चाहिए था इस दिशा में वो बिल्कुल नगण है, कोई पहल नहीं किया गया। स्तर से पहल किया गया? ये इतने बड़े लोगों पर, इतने जो इतनी बड़ी आबादी है, व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के पहल से नहीं हो सकता है, ये सरकार के योजना ही से ही हो सकता है और ये बिहार सरकार के योजना से हो सकता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ये शायद आपको आहत भी कर सकता है कि आप लोगों ने जिन जिन, चाहे वो निकाय में हो या फिर जिला स्तरीय चुनाव में हो, जिन प्रत्याशियों को आप लोगों ने सपोर्ट किया है उन सभी को हार मिला है, क्या आप लोगों को लगता है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में ये रोष आप लोगों को भी झेलना पड़ेगा या प्रचंड बहुमत से जीतेंगे? नहीं नहीं, पूरे देश में हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो काम किया गया है उसके सब लोग उसको जश दे रहे हैं। पूरी जनता, पूरे भारत की जनता, गांव, गरीब, किसान, शोषित, महिला, वंचित, युवा, महिला, सारे के सारे लोग खुश हैं। लोकल स्तर का चुनाव होता है, वो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होता है, कोई पार्टी स्तर पर चुनाव होता नहीं है। एक दल के लोग दूसरे दल के समर्थन में चले जाते हैं, निर्दलीय के समर्थन में चले जाते हैं। इस लोकल जो इकाई का चुनाव है उसमें कोई दलगत आधार पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, कार्यकर्ता एकजुट होकर नहीं लड़ा गया था, इसलिए इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आने वाले समय में जो 24 का लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें बिहार में हम 40 का 40 सीट जीतने वाले हैं। आप लोग 40 के 40 सीट जीतेंगे। इधर नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी आएंगे हो सकता है और उसके बाद लालू प्रसाद यादव की भी इस मीटिंग में शागिर्दी हो सकती है। क्या होने वाला इससे? एक तरफ एनडीए महागठबंधन को बढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा कि अभी जो दलित के नेता हैं आदरणीय जीतनराम मांझी जी को एक पल में वहां से झटके से हटा दिया, कह रहा है कि हम अब विलय कीजिए हम, तो कहाँ इनका मटक महागठबंधन बन रहा है। अब महागठबंधन बनाकर नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश बंगाल या किसी दूसरे अन्य राज्य में जाके ये क्या कर लेंगे, राहुल गांधी क्या कर लेंगे, या ममता बनर्जी आके बिहार में क्या कर लेगी, अखिलेश यादव दूसरे प्रदेश में जाके क्या कर लेंगे। ये कोई महागठबंधन नहीं है, ये ठग गठबंधन ये लोग बनाना चाहते हैं, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि जो लोग आज नरेंद्र मोदी गरीब के बेटा को हटाना चाहते हैं ये कौन लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये परिवारवादी लोग हैं, ये सब मिल के चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटा के जो पूर्व में देश की स्थिति थी उस स्थिति में ये लोग ले जाना चाहते हैं। अभी नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं। मांझी जी पे कहे हैं ना कि ये जासूस थे,
23 जून को जो विपक्षी एकता का मुहिम होना है, इसीलिए हमने इनविटेशन नहीं भेजा क्योंकि वो यहाँ का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँचा देते हैं। देखिए बीजेपी के जासूस हैं। नीतीश कुमार को महादलित उनको कोई मतलब है नहीं है, सिर्फ वोट के लिए अति पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित हिंदू मुस्लिम ये करते, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। आदरणीय मांझी जी बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, इस तरह से बेइज्जत करना बिहार की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, खासकर महादलित वर्ग के लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। जयप्रकाश नड्डा आ रहे हैं, उसके बाद कल ही आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए हैं, उसके बाद अमित शाह आने वाले हैं, डर गए हैं क्या मुंगेर के सांसद ललन सिंह से? हम क्यों डरेंगे, हम तो 2 से आज 303 पर पहुंच गए और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो लोग सोचे, जेडीयू कह रही है डर गए, वो लोग सोचे ना जो आज 44-43 पे सिकुड़े हुए हैं और दूसरे के सहारे पर मुख्यमंत्री बने हुए, दूसरे के कंधे पर चल के मुख्यमंत्री बने हैं। आने वाले समय में इनको बिहार की जनता उनको लड्डू देगी, लड्डू विधान लोकसभा चुनाव में एक भी सीट उनको मिलने वाला नहीं है। आज जहाँ तक हमारे पार्टी का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्कर 5 साल हमेशा 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे नेता काम करते रहते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं और संगठन का काम करते रहते हैं। 5 साल हम लोग काम करते रहते हैं, उसी क्रम में हमारे जो अभी हम लोगों का महासंपर्क अभियान चल रहा है उस कार्यक्रम में सारे हमारे राष्ट्रीय लीडर हो या जो भी लीडर हो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसी क्रम में 24 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी झंझारपुर में आने वाले हैं और उसमें लाखों की संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा होने वाले हैं, उनको सुनने वाले हैं। मात्र एक प्रश्न रहेगा, उसके बाद आप जनसंपर्क में जाने वाले हैं, 24 में क्या अशोक यादव को फिर से टिकट मिलेगी? विश्वास मत आप साहब प्राप्त कर सकते हैं बीजेपी से? ये संसदीय बोर्ड तय करती है, यह सवाल आपको पूछना है तो संसदीय बोर्ड के जो मेम्बर हैं केंद्रीय नेतृत्व से पूछना चाहिए। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी जिसको सिंबल दे के भिड़ता है, हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को सिपाही मानता है, अपने आप को उम्मीदवार मानता है और महाभारत के युद्ध में जाते हैं, हम लोग किला फतह करते हैं। हम लोग कहाँ से आपसे जा करके कहाँ मिलेंगे? मधुबनी के जो क्षेत्र के लोग हैं वो आपसे मिलते हैं? चलते फिरते कहीं मिलते रहे, हम हमेशा क्षेत्र में रहते हैं। फोन कीजिए, मोबाइल पर जो सेवा हो आइए, तुरंत उसका हम निष्पादन करते हैं। आपने बीजेपी सांसद अशोक यादव को सुना जिन्होंने बताया कि वो अपने क्षेत्र में कितना काम किए हैं, सारे कामों को वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वो नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए दिखे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है विपक्षी एकता को लेकर, उन्होंने कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है लालू यादव आए या राहुल गांधी आए, कुछ नहीं होने वाला है, विपक्षी एकता पर भी वो जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टी जो है अपनी तैयारियों में जुट गई है और इसी कड़ी में मधुबनी के सांसद अशोक यादव ने भी महागठबंधन के सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही वो कितना काम किए हैं अपने क्षेत्र में, इन सारे चीजों को गिनाते हुए नजर आए हैं, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।